हाय एवरीवन, वेलकम टू माय व्लॉग चैनल। और आप सोच होंगे मैं किचन में, जी हाँ, क्योंकि मेरा जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है किचन से ही, और वो स्टार्ट हो रहा है रात के 8 बजे। और उसका रीज़न ये है कि आज मैं बहुत कुछ बना रही हूँ। मैं दिखा दूँ कि मतलब कितना हैक्टिक शेड्यूल होता है मेरा, मुझे औरों को नहीं पता तो मुझे उन सब के बीच में कितना कुछ करना पड़ता है। तो मैं दिखाती हूँ। यहाँ पे मेरी दही फुल्की, ये दही है, इसमें दही फुल्की बन रही है। देन यहाँ पे ये मलाई है, जो मैं मलाई मतलब घी निकालने जा रही हूँ। यहाँ पे आटा गूंदा रखा है, मुझे रोटी बनानी है। वहाँ पे चावल मतलब बनाने हैं, अभी वो दिन का रखा है तो मुझे थोड़ा भी ताज़े बनाने हैं। और यहाँ पर ये इतना बड़ा कुकर चढ़ा हुआ है, ये बन रहा है चने दाल का हलवा। इसको मैंने भिगो के दाल को, और दूध में अभी मैं सीटी ले रही हूँ। तो अभी बस एक सीटी और मैं लूँ, क्योंकि मैंने 2-3 ऑलरेडी ले ली, तो मैं एक सीटी और लूँगी फिर बनाऊँगी, ठीक है। और अभी मुझे दही फुल्की के लिए फुल्की भी बनानी है, तलनी है। तो जब तक मैं ये वाला काम है ना, ये वाला कर देती हूँ, देखो मैं कितना कुछ कर रही हूँ। स्टार्टेड। ओके, से पहले मैंने यहाँ पर मलाई को सब इकट्ठा करके कढ़ाई में निकाल लिया है। इसको निकालने से पहले मैं इसको फेंटूँगी, और फेंटने से पहले मैं इसमें एक चम्मच दही भी हमेशा मिलाती हूँ, तो मैंने मिला दिया है। और ये देखिए मैंने मिला दिया है। और इसके बाद अब मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी, और खूब बहुत जितना हो सके उसको पहले ही फेंट लें। और अगर आपके पास वो ग्राइंडर वाला नहीं होता है, वो मिक्सर वो अगर हो तो उसमें फेंट लो, बहुत अच्छे से फेंट जाता है। मेरे पास है नहीं वो हैंड ब्लेंडर जिसको बोलते हैं, तो आप उससे कर लो, वो भी बहुत अच्छे से हो जाता है। और देन इसके बाद मैं इसको अपनी गैस पर चढ़ा दूँगी। सो यहाँ पर मैं इसको गैस पर चढ़ाने जा रही हूँ, और जितना भी आसपास लगा हुआ है ना, इसको आपको हटाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जितना हो सके उतना हटा लो, जितना नहीं हट रहा है उसको मत हटाओ, क्योंकि वो वैसे भी पिघल के आपका वो कढ़ाई में ही रह जाएगा। देखिए ये पिघलना स्टार्ट हो गया है यहाँ पर। और तब तक के लिए मैं रायता जो मैं बना रही थी ना दही फुल्की, उसके लिए मैंने मिर्चें निकाल के रखे हैं। अभी मैं इसको मसाला इसका बनाऊंगी, रायते का, दही फुल्की का। तो आप कैसे बनाते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपके यहाँ दही फुल्की जो है उसमें क्या क्या पड़ता है। तो अभी मैंने यहाँ पर चावल निकाले हैं, चावल धुल के मैं अच्छे से इसको चढ़ा दूँगी। मैंने आपको बताया था कि थोड़े से चावल शायद मेरे रखे भी थे, मुझे थोड़े से मैंने और बनाए हैं। एंड अभी मैं इसको अच्छे से यू नो चलाते रहना, हिलाते रहना बीच बीच में, क्योंकि वो एकदम बड़ा सा वो गांठ ऐसी बन जाती है, फिर वो जल्दी से अच्छे से ना होता नहीं है वो। सो अभी देखा था आपने यहाँ पे मेरे पहले के चावल रखे थे, इसको मैं एक कटोरी में निकाले ले रही हूँ, बिकॉज ये बहुत सही चावल है, इसको फेंकना नहीं है मुझे। तो मैं इसको ताज़े कैसे करती हूँ मैं आपको दिखाऊँ मतलब बताऊँगी, शायद दिखा ना पाऊँ इस ब्लॉग में। मैं अभी तो ये भगोना जो है ये धुल लूँगी, इसी में ही मैं चढ़ा दूँगी। वैसे अभी आजकल मैं ना कुकर में ज़्यादा बना रही हूँ, बिकॉज इससे ना गैस की भी थोड़ी बचत होती है, और चावल भी बहुत अच्छे से मुलायम पकते हैं। एंड बस इसमें ख़राबी होती है कि जैसे मैं क्या करती हूँ, जब मेरे चावल बचे होते हैं तो वो बचे चावल मैं भगोने में बाद में एंटर कर दे मतलब डाल देती हूँ, और क्या कहते हैं वो ना एकदम उसके साथ ही सीज जाते हैं नए चावल के साथ, तो एकदम बिल्कुल ताज़े लगते हैं। बट कुकर में मैं ये कर नहीं पाती हूँ, तो बस मुझे ये चीज़ें कुकर में अच्छी लगती है, मुझे इसको अलग से जो है गर्म करना पड़ता है ना। अभी मैंने रायते का मसाला जो बना लिया है, लाइक उसमें मैंने ज़ीरा, लाल मिर्च सूखी, और लहसुन इतना डाला है, थोड़ा सा नमक भी डाल दिया, उसको मैं पीस लिए ले रही हूँ अच्छे से। और अब मैं जो दही होगा, दही मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। तो अभी मेरे ख्याल से हुआ नहीं, तो मैं 2-3 बार उसको चला रही हूँ अच्छे से, और यहाँ पर शायद मेरा अब मसाला हो गया है कायदे से, ये देख सकते हो आप लोग, और बहुत टेस्टी बनता है ऐसे। ये 3 चीज़ें मैं डालती हूँ, 4 चीज़ें। यहाँ पर जो मेरी चने की दाल थी वो भी पूरी हो चुकी है, मतलब अच्छे से गल चुकी है, मैं इसको चेक कर रही हूँ। और हल्का सा जो पानी रह गया था तो मैं इसको थोड़ा सा भूने दे रही हूँ, बिकॉज पानी नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, नम नहीं होनी चाहिए अच्छी सी, मतलब नम होनी चाहिए मतलब पानी नहीं रहना चाहिए। अभी ये दही मैंने डाल दिया है इसमें, और इसमें से मैं थोड़ा सा दही ना निकाल के अलग रख लूँगी। पहले पानी से डाल के इसको मतलब जितना किनारे किनारे लगा था वो सब भी ले रही हूँ। उसके बाद मैं एक कप में थोड़ा सा दही ना निकाल के अलग रख लूँगी, फेंटने के बाद एक कप में आधा कप रख लूँगी, मतलब वो मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों रखती हूँ। मतलब मैं चीज़ें वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए मैं प्रॉपर उसको मतलब कैसे यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो यहाँ पर मैंने काला नमक डाला है, मैंने मसाले में थोड़ा सा सफ़ेद नमक डाला था, बट अभी मैं यहाँ पर काला नमक भी थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि टेस्ट अच्छा आ जाता है। और या क्योंकि मसाले में मैंने बहुत कम डाला था जस्ट पीसने के लिए, क्योंकि पिसता नहीं है अच्छे से मिक्सी में। और बस यहाँ पर मैं नमक डाल के अभी मैंने मसाला डाल दिया है, और ये देख लीजिए मैंने कप में एक कप भर के अलग रख लिया है। अभी क्यों रखा है मैं बताती हूँ आपको।
सो ये मसाला मैंने डाल लिया। अब मैंने बचा हुआ दही उस जार में डाल के उसको अच्छे से हिला के दिन में उसको उसके भगोने में डाले ले रही हूँ। तो मैं ऐसे करूँ ताकि मसाला भी वेस्ट ना जाए बिल्कुल, मुझे मतलब धुलना तो है ही है जार ना, तो वाई नॉट कि मैं उसमें दही डाल के अच्छे से उसका जितना मसाला है सब किनारे का वो भी ले लूँ। तो ऐसे करके मैंने सारा उसमें डाल लिया है। अभी मैं जो घी बन रहा है वो मैं अच्छे से चला ले रही हूँ, और वहाँ पर मैंने चावल भी चला दिए, चावल भी बन रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा पानी और मैं मिक्स किए दे रही हूँ। देख लीजिए मैं चावल बन गए, और ये बाकी बचे चावल मैंने दिन वाले वो इसी में मिक्स कर दिए। इससे ये है कि सीझते टाइम ये चावल भी सीझ जाएंगे और बिल्कुल ताज़े हो जाएंगे। अभी मैं जा रही हूँ बेसन के पकोड़े बनाने के लिए, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया है और हल्का सा मैं इसमें भुना ज़ीरा डाल रही हूँ और हल्का सा मिर्च, यस, और थोड़ी सी चुटकी भर हींग, और बस इसको करके मैं मिक्स कर लूँगी अच्छे से और एक बैटर बना लेंगे, मतलब बेसन का बैटर बना लेंगे, और बैटर बना के इसको हम फिर बाद में तलेंगे। तो अभी के लिए बैटर बना लेते हैं। सो अगर आप मेरे इस वीडियो को, इस ब्लॉग को पहली बार ही देख रहे हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को। मैं बहुत करीब हूँ 2000 सब्सक्राइबर के, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अभी हमारा जो घी है वो कंप्लीट बन चुका है, इसको मैं अभी मतलब देख लीजिए गैस चल रही है और मैं जितना घी है वो इसमें मिलाए ले रही हूँ, मतलब लाइक निकाले ले रही हूँ, छाने ले रही हूँ छन्ने से। ये जो घी का छन्ना है ये अलग छन्ना है, मैं इसको चाय के लिए इस्तेमाल नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उसे घी निकालने के टाइम पे इसको इस्तेमाल करती हूँ। तभी अब देख लो हल्का सा काला भी हो गया क्योंकि मुझे इसको जलाकर भी जो है मतलब साफ़ करना पड़ता है, क्योंकि घी ना जम जाता है, इसके सुराखों में जम जाता है, इसलिए मुझे इसको गर्म करना पड़ता है। अभी देख लो अच्छा खासा घी निकल आया है, यहाँ पर मैं प्रेस करके और अच्छे से निकाले ले रही हूँ, वापस मैं इसको उसी में डाल दूँगी। अभी मैंने उसमें जो बचा हुआ खोजड़ था ना, जो खोजड़ बोलते हैं नीचे, उसमें शक्कर मिला दी खूब ढेर सारी, और उसको हल्का सा चला के मतलब शक्कर को भूने ले रही हूँ उसी में, ताकि ना वो बिल्कुल एकदम मिठाई जैसा बन जाता है, वो खाने लायक हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है खाने में। तो मैं तो नहीं खाती हूँ क्योंकि मुझे मीठा उतना पसंद नहीं, बट मेरे हस्बैंड और हैं एक, वो भी खाते हैं, तो या तो हमने इसको मिला दिया। तो अगर जैसे कभी जैसे मूड हो खाने का तो हम लोग खा सकते हैं। अभी उसी कढ़ाई में मैंने उसको हल्का सा साफ़ कर लिया है, मतलब धुला नहीं, बस ऐसे साफ़ कर लिया। उसमें मैं तेल डाल के गरम करके उसमें मैं जो बेसन का बैटर बनाया था उसकी मैं फुल्कियाँ बना ले रही हूँ। आमतौर पर जो फुल्की मैं बनाती हूँ तो मैं उसको पानी में डालती हूँ, गर्म पानी में, मतलब फुल्की जब बन के तैयार हो जाती है तो सबसे पहले मैं उसमें गर्म पानी में डालती हूँ, बट यहाँ पर मैंने डाला नहीं था क्योंकि मुझे मेरी एक चची सास ने बोला था कि मत डाला करो, हो जाती है, फूल जाती है, बट ट्रस्ट मी मेरी नहीं फूली थी इतनी, बहुत अच्छी नहीं फूली थी जितनी मतलब फूलती है, तो मैं डायरेक्ट दही में डाल दे रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं डालना था। सो या अभी मेरा कंप्लीट हो गया है ये दही फुल्की, उसको मैं हल्का सा बघारूँगी भी बाद में, बट अभी के लिए कंप्लीट हो गया। और अभी मैं तवा चढ़ा के रोटियाँ बना ले रही हूँ, तो थोड़ी बहुत हम लोग रोटी बना लेते हैं, और हमारे चावल और दही फुल्की तो रेडी है, चने का दाल भी ऑलमोस्ट भुन गया है, उसको बस पीसना ही पीसना है अब तो या। और अभी अब देखो मेरा किचन कितना फैला है यार, मतलब और मैंने आना रिसेंट में अपने किचन की थोड़ी सी रिसेंट क्या मैं करती रहती, मैं महीने में 3-4 बार तो अपने घर की पूरी सेटिंग चेंज करना मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा घर न्यू लग रही, तब घर तो बार बार बदल नहीं सकते, इसलिए घर को ही जो सेटिंग है उसकी चेंज करके हम लोग उसमें न्यू फील लिया करते हैं। अच्छा, तो अभी मैंने किचन की भी सेटिंग चेंज की हुई, तो मतलब आप जब मेरे आने वाले व्लॉग अगर उसमें देखोगे तो उसमें पाओगे कि मैंने माइक्रोवेव अपने उल्टे साइड पर रख दिया है, अभी सीधे हाथ पर रखा है मैंने, अभी मतलब उल्टे हाथ पर रख दिया, तो बहुत कुछ चेंज कर दिया मैंने। इसके बाद रोटियाँ जब बन जाएंगी बहुत अच्छे से तब मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो ओ गॉड, बहुत टाइम के बाद बैठने को मिला है, ऑलमोस्ट 10:30 बज चुके, ऑलमोस्ट क्या बज ही रहे हैं 10:30, मतलब मैं 8 बजे की लगी हुई हूँ, 2.5 घंटे में मैंने चावल रोटी दही फुल्की सब बनाया हुआ है, और दाल उबाली है चने वाली उसका हलवा बनाने के लिए, लेकिन उसमें कितने मैंने तीर चाहे किए हैं, मतलब मसाला पीसो फिर बघारो फिर फुल्की के लिए फेटो फिर उसको डालो ये, तो मैं ओफ ओफ भाई। चलो फ़िलहाल वो सब हो गया है,
अब बारी आती है मुझे चने की दाल को पीसना है, क्योंकि का हलवा बनना है। हलवा बनाना बहुत आसान काम तो है नहीं, आप लोगों को पता ही होगा कि बहुत में भूनना पड़ता है, तो बहुत ज़्यादा वाली मेहनत लगती है। तो इस टाइम मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ कि मतलब मैं इस टाइम तो थकी गई हूँ, तो हो सकता है 10-15 मिनट रेस्ट करने के बाद मैं ठीक हो जाऊँ और मेरे हाथ पैर फिर से एकदम रेडी हो जाए काम करने के लिए। तो अभी के लिए मैं सिर्फ उसको पीस लूँगी, अभी 10-15 मिनट के बाद अभी मैं उठ के दाल को पीस लूँगी मिक्सर में और फिर इसको रख देंगे। अभी का तो मुझे नहीं पता कि मैं अभी बनाऊँगी कि नहीं बनाऊँगी, बट हाँ उसको मैं पीस लूँगी। पीसने के बाद अगर मैंने अभी बनाया तो ठीक, मैं दिखा दूँगी। ओके, अगर मैंने अभी बनाया तो मैं दिखा दूँगी, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है एक्चुअली। और अगर मैंने नहीं तो मैं मॉर्निंग में कल मतलब बनाऊँगी, तो वो मैं इसी में कंटिन्यू कर दूँगी। तो हलवा मतलब इसी वीडियो में आपको कंटिन्यू में मिलेगा। ओके, तो चलो। हाय एवरीवन, सो इट्स नेक्स्ट मॉर्निंग हो चुकी है और कल मैंने एक्चुअली जो हमारा हलवा था वो हमने नहीं उसको बनाया नहीं था, मैं आज बनाऊँगी क्योंकि रात के 1 बज चुके थे, तो वो मैं बनाऊँगी। और अभी हम लोगों का चाय नाश्ता हो चुका है, मतलब चाय और ब्रेड हो चुके हैं, बट मुझे थोड़ी सी भूख लग रही है, मुझे भी और मेरी अम्मी को भी। तो मैं बना रही हूँ हलवा सूजी का, थोड़ा सा मतलब फौरी तौर वाला जो बनता है ना वो बना रही हूँ। तो चलो हम लोग बनाते हैं। और उस सो यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा भूनने के लिए रख दिया है, भून जाएगा। भाई आज मैंने सिर्फ आधी कप ही जो है सूजी ली हुई है, आधी कप। और यहाँ पे ये मेरा हलवा ऑलमोस्ट रेडी है, अभी ऐसा दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा और अच्छा दिखने लगेगा। और हलवा बनके हम लोगों ने खाना उसको खा भी लिया है मतलब। और एक बहुत ही अच्छी सी चीज़ हुई है, एक बहुत बुरी चीज़ हुई है और एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है। बुरी चीज़ ये हुई है कि लाइट चली गई और बहुत देर से नहीं है, और अच्छी चीज़ मैंने ये दो प्रोडक्ट मंगवाए हुए हैं, दो ही, इसमें एक्चुअली तीन प्रोडक्ट हैं। इसमें ईबा हलाल के दो प्रोडक्ट हैं वो मैं आपको भी शेयर करूँगी, और इसमें एक प्रोडक्ट। तो चलो अभी आपको दिखाते हैं कि मैंने इसमें क्या क्या मंगाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैंने क्या मंगाया हुआ है, मैं खोल के दिखाऊंगी इसको अच्छी, क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है। चीज़ ये कि यहाँ लाइट नहीं आ रही है, तो पता नहीं कब लाइट आएगी, और मेरे पास इन्वर्टर भी यहाँ पर नहीं है, वो मेरे गांव में ही लगा हुआ है। तो चलो मैं आपको बता देती हूँ, ये जो इस डब्बा है ये बॉक्स, इसमें है फेशियल रेज़र मैंने मंगाया हुआ है क्योंकि मेरे वो ख़राब हो गए हैं एकदम यूज़लेस। एंड देन इसमें जो ईबा हलाल वाला है, इसमें है नेल पेंट जो कि मैंने मंगाए हैं, मतलब लाइक हलाल नेल पेंट होते हैं जिसमें वजू जायज़ होता है, वो मैंने मंगाया हुआ है, इसकी वजह से नेल पेंट नहीं लगाती हूँ। तो ठीक है चलो अभी मैं दिखाते हैं आपको कि मैंने क्या क्या मंगाया, मतलब कैसे लगता है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी, ये बन रही है माश की खिचड़ी। और अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ फ़ोन में बैटरी नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो ठीक है चलो खिचड़ी बना लेते हैं पूरा, और उसके बाद मैं ये सारा जो तामझाम है उसको नीचे रखूँगी और यहाँ पर भुनने के लिए रखा जाएगा हलवे को। ठीक है, सो नाउ अब हम लोग क्विकली ओपन करते हैं कि फ़्लिपकार्ट से मैंने क्या मंगाया हुआ है, और जो ईबा हलाल की वेबसाइट थी वो वहाँ से मैंने क्या मंगाया हुआ। तो फ़्लिपकार्ट से मैंने ये फेशियल रेज़र मंगाए हुए हैं जो कि सनफी समथिंग, ये रेज़र मैंने मंगाया क्योंकि मैं इसको यूज़ करती हूँ। आपने मेरे ईद वाले व्लॉग में शायद देखा होगा कि मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छे लगते हैं। तो मेरे जो ख़त्म हो गए थे मतलब मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी थी, तो इस वजह से मैंने दोबारा से मंगाए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक बार आप लोग इसको ज़रूर चेकआउट करना, बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब दिन तक चलते हैं। ठीक है, सो या अभी ये मैंने मंगाई, इसके जो है मुझे नाम नहीं पता है नेल पेंट्स के, बट और हाँ ये जो मुझे रेड कलर की ये बिल्कुल ब्रोकन मतलब एकदम बहती हुई रिसीव हुई थी, मतलब टूटी नहीं है कहीं से बट बह रही थी, पता नहीं क्या शायद ढक्कन वक्कन कहीं लूज़ हो गया होगा, तो उसको मैंने अच्छे से साफ़ करके तब यूज़ किया हुआ है। यस, तो जो नेल पेंट है वो बहुत अच्छी है, तो आप ये कलर देख लो, बहुत ही प्रिटी है रेड कलर। ये जो इसका नाम है शायद वेडिंग बेल्ट नाम है इसका, और कॉपर वाले का मुझे नाम नहीं याद है, सिल्वरिश कॉपर जो है, रोज़ गोल्ड समथिंग, शायद रोज़ गोल्ड में ही नाम है इसका। सो नाउ फाइनली अब मैं आपको मिलाती हूँ अपनी अम्मी से। तो अम्मी देख लीजिए यहाँ पर बना रही हैं हलवा, मतलब वो चने की दाल को अच्छे से यू नो भून रही हैं। और आप भैया बहुत शिकायत करते हो कि सास को नहीं दिखाती अपने व्लॉग में, तो भैया देख लो मेरी सास को भी मेरे व्लॉग में, ऐसा नहीं है कि मतलब वो आना नहीं चाहती हैं बस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने देख लिया होगा कि हमारा हलवा बन रहा है, मतलब मेरी सासू माँ
उस हलवे को ढूंढ रही हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि मैं मतलब कर नहीं पाऊँगी, इतना ज़्यादा दम नहीं लगा पाऊँगी, तो खुद ढूंढने दे रही हूँ, वरना कहती कि तुम्हारी इतनी भी मेहनत ही बेकार सीख जाएगी, तो वो खुद ढूंढ रही हैं इसलिए। ओके, तो चलो अभी जब बन जाएगा, जब मैं इसको प्लेट में और ट्रे में लगा दूँगी, मैं आपको तब दिखाती हूँ कि वो कैसा लगता है। ओके, सो ये हलवा हम लोगों ने प्लेटों में ट्रे में लगाना स्टार्ट कर दिया है, और यहाँ पर इमाम भी खड़े हैं। एंड नाउ फाइनली हम लोग इस पे ना अच्छे से नारियल वारियल छिड़क के, और मतलब क्या कहते हैं उसको, फैला के अच्छे से सजा रहे हैं, और क्या कहते हैं उसमें किशमिश भी जो होती ना वो भी हमने डाला है, और नारियल डाला है, किशमिश डाला है। आप कोई भी बेसिकली मेवा डाल सकते हो, बादाम भी हल्के से यू नो काट के डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, जो आपका मन करे आप डाल सकते हो। तो मेरे पास ये नारियल और किशमिश बचे थे, मतलब हमने हलवे में भी डाले थे ना काजू बादाम, तो ये बाद में बचे थे इतने, तो मैंने बस इसी से इसको सजा दे रहे हैं, डेकोरेट किए दे रहे हैं हम लोग। मैंने भी देखा ना कि हम लोगों ने उसको थोड़ा सा ना उसको सजा भी दिया है, और उसको प्लेट में भी लगा दिया है, बस अब उसका यू नो कटिंग होना है, मतलब हैप्पी बर्थडे होना है उसका, और उसके बाद उसको हम लोग रख लेंगे, देन उसके बाद हम लोग उसको खा सकते हैं, कुछ ऐसा बनेगा। और दूसरी चीज़ ये कि ये सब करते हुए बच चुका है 4:30, अब हम जा रहे हैं खाना खाने, बहुत टाइम हो गया। तो चलो अब हम लोग आपको मिलते हैं, मतलब मैं मिलती हूँ आपको उसकी कटिंग के टाइम पे, जब मैं काटूँगी उसको। एंड नाउ अभी हो चुकी है इवनिंग, और इवनिंग में हमारा मन कर रहा था पराठे खाने का, क्योंकि आटा रखा हुआ था, तो मैंने कहा चलो पराठे बनाते हैं चाय के साथ। तो मैंने ऐसे 4-5 पराठे बना लिए हैं, आप देख लो, और बस ये मेरा जो है ब्लॉग का लास्ट पार्ट है। मेरा सारा जो हलवा था ना वो सब बन चुका है, लोगों ने खाया भी, अच्छा बना है, बढ़िया बना है, टेस्टी बना है। कल का ब्लॉग एंड नहीं किया था, तो इस वजह से मैं आज का मतलब कल का ब्लॉग आज एंड कर रही हूँ। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अक्सर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रेड कलर का बटन है, और प्लीज़ लाइक ज़रूर करना इस वीडियो को, लाइक ज़रूर करके जाना। और हाँ, आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं, इट मीन्स अ लॉट टू मी। और कमेंट ज़रूर करना, बेल आइकन हिट कर देना, एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय एवरीवन।